हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण सेफ, हमारे यूट्यूब चैनल कनिष्का किचन किंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहा हूँ मूंग दाल का हलवा, जो बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। आप देखिए, आप हमारे वीडियो देख के घर पे भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। और हमारे वीडियो को और इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे चीज़ के बारे में बताया हूँ, हलवा के बारे में। तो आप इसको ध्यान से देखें और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक बने रहिए। और इस तरह का वीडियो हम और भी डालते रहेंगे, स्वीट डिश जैसे और भी, जैसे चाइनीज, इंडियन, तंदूर, साउथ इंडियन, फास्ट फूड का भी डिश हम डालेंगे। और आप हमारे वीडियो देखिए, और अगर आपको अच्छा लगे आप लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये मेरा मूंग दाल है जो हलवा बनाएंगे हम। ये मेरा 4 किलो मूंग दाल है, और ये मेरा 300 ग्राम बादाम है, और ये मेरा काजू है 300 ग्राम, ये मेरा किशमिश है 300 ग्राम, और ये मेरा 5 किलो चीनी है जिसका हम चाशनी बनाएंगे पानी डाल के। जितना चीनी है उतना ही जो है सो उसका हाफ, जैसे 3 लीटर पानी डाल के जैसा इसका आप चाशनी बना लीजिए। और ये मेरा देसी घी है, ये मेरा देसी घी 5 लीटर है। ये सारे दाल को हम भिगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम दाल को भिगा लेंगे 1 घंटा, उसके बाद इसको हम पीस लेंगे, फिर मैं आगे की प्रोसेस करेंगे। और ये मेरा खोया है, ये 5 किलो मैंने खोया लिया है, और ये मेरा 150 ग्राम इलायची है जिसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना के उसको हम छन्नी से छान लेंगे जिससे हमारा इसका छिलका जो है तो ना आए, बिल्कुल अच्छी तरह छन जाए। और मैंने जो आपको हलवा की प्रोसेस बताया है वही रहेगा। आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिए कि जितना जितना बताया उतना ही उसमें पड़े, चाहे आप कम बनाइए या ज़्यादा बनाइए, तभी आपका हलवा अच्छा बनेगा। मैंने दाल पीस के रख लिया है, जो मैंने दाल भिगाया था उसको भिगा के पीस लिया है। अब ये मेरा घी का तो कढ़ाई में गर्म हो गया है, अब इसमें हम दाल डालेंगे। और दाल डाल के हम तब तक भूनेंगे जब तक कि हमारा दाल ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए, मेरा दाल जो है तो अब भूनने के लिए कढ़ाई में डाल दिया हूँ। अब इसको हम कम से कम ब्राउन होने तक उसको चलाते हुए भूनेंगे। और ये हमारा दाल चपकना भी नहीं चाहिए, इसीलिए कि मूंग दाल का हलवा जब बनता है तो दाल कढ़ाई में बहुत चपकता है, तो उसको विशेष ध्यान रखना है, बराबर चलाते ही रहना है। ये हमारा जो है तो दाल का कलर चेंज हो गया है, ये हम कम से कम आधा घंटा से चला रहे हैं और ये हमारा चेंज हो गया है कलर। अभी और उसको हम भूजेंगे जब तक कि हमारा ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद जो मैंने चीनी का जो चाशनी बना के रखा हूँ पानी डाल के, उसको ऐड करेंगे, खोया ऐड करेंगे, आपको दिखाते जाएंगे। देखिए, ये मेरा बिल्कुल ब्राउन होने पे आ गया है, बस ये 2 मिनट बाद बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा बादामी कलर का। जब ये ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम खोया ऐड करेंगे, खोया हमने घीच के रख लिया है। उसके बाद खोया डालने के बाद हम कुछ देर चलाएंगे 2 मिनट तक, उसके बाद फिर उसमें हम चाशनी ऐड करेंगे जो हमने चाशनी भी बना के रख लिया है। तो ये हमारा चाशनी है जो हमने चीनी का जो है तो बना के रखा है, ये हम ऐड करेंगे। अब देखिए, ये मेरा दाल, मूंग की जो दाल था वे ब्राउन हो गया है बिल्कुल बादामी कलर में। अब इसमें हम खोया डालेंगे, अब हम इसमें खोया डाल दिए, खोया डाल के हम 1 मिनट तक चलाएंगे, ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारा दाल जो है सो और ज़्यादा लाल हो जाएगा, तो हमारे हलवे में जलने की स्मेल आ जाएगी, इसीलिए हमको ज़्यादा देर तक इसको अब नहीं चलाना है, हल्का सा भून लेना है।
देखिए मैंने हल्का सा भून लिया इसको, खोया सब मिल गया इसमें। और इसमें हम चाशनी बना के जो रखे थे चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी बनाते समय ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा देर चाशनी को खौलाए ना, नहीं तो गाढ़ा हो जाएगा, आपका हलवा बहुत टाइट बनेगा। इसलिए चाशनी को एक ही बार, चीनी पानी को जो ऐसे एक ही बार उबाल आ जाए एक दो बार, तो आप भट्टी बंद कर दीजिए। अब ये देखिए हमारा खोया अच्छी तरह मिल गया है। अब देखिए इसमें हम चाशनी डालने जा रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल मिल गया है, खोया भी ब्राउन हो गया है। खोया कभी भूलना था ब्राउन करने तक। नीचे नीचे दबा दे, और नीचे और नीचे और नीचे, पीछे बीच में और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे। और ये हम चाशनी डाल दिए, चाशनी डाल के हमें एक खोलाना है। देखिए ये हमने चाशनी डाल दिया, हम चाशनी डाल के इसको थोड़ा देर पका लीजिए। ये देखिए कितना सुनहरा कलर की बिल्कुल हलवा हमारा तैयार हो गया। अब ये देखिए मेरा हलवा पूरी तरह तैयार है, बनके रेडी हो गया है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। ये जो मेरा इलायची था उसको मैंने पीस के मिक्सी में पाउडर बना लिया है, ये हम डालेंगे। इलायची पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए भी। कोई भी अगर मीठा डिश बनता है स्वीट डिश, उसमें इलायची पाउडर बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने इलायची पाउडर डाल दिया। उसमें हम किशमिश डालेंगे, ड्राई फ्रूट तो बहुत ही ज़रूरी है स्वीट डिश में, तो ये हमने किशमिश डाला। ये हमारा काजू है, ये हमने काजू डाला। और ये हमारा बादाम है, ये हमने बादाम डाला। और इसको हम थोड़ा मिला लेंगे। अब ये देखिए हमारा हलवा पूरी तरह तैयार है। तो हमारे और भी डिश देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, हम आगे भी इसी तरह का वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद। क्या ये मेरा तैयार हो गया पूरी तरह, तो आप लोगों को अगर पसंद आया हो मेरा रेसिपी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी हम इसी तरह का रेसिपी डालते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।